Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हाँ बच्चों, next question. M&P, तीन partners हैं, 3-to-1 ratio है. Balance sheet. Balance sheet में अगर तुम देखोगे, cash at bank, patents, debtors less provision, stock, plant and machinery, investment. और इसमें तुम्हें एक नई चीज नजर आएगी, investment fluctuation fund, 4600. इसके अलावा creditors, BPs और reserve fund तो है ही. Investment fluctuation fund, जितनी बार भी आया मैं आपको सेपरेटली बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू में होने वाले फ्लक्चुएशंस की प्रॉफिट्स और लॉसेस को चार्ज करने के लिए एक सेपरेट खोला हुआ अकाउंट है. इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू में किसी तरह का अप डाउन होता है और उसकी वजह से कोई लॉस होता है तो वो लॉस हम लोग रीवैल्यूएशन से चार्ज करने की बजाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से चार्ज कर. इसी तरह का एक और फंड होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड. अगर हमें कोई कॉम्पनसेशन देना है तो उसका लॉस वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड से चार्ज करेंगे, रीवैल्यूएशन से चार्ज. स्पेसिफिक फंड है ये, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए खोला गया है. इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में फ्लक्चुएशन को कवर करने के लिए हमने फंड खोल दिया है. कोई लॉस होता है इसी फंड से चार्ज करेंगे. बट At the time of change in profit sharing ratio or admission or retirement or death or dissolution के time पर इस fund का बचा हुआ part, old part है, उनकी profit sharing ratio में बांटना जरूरी. इस related matter क्या है आपको question के अंदर बताता हूँ. फिलहाल question आगे क्या कह रहा है कि investments को revalue कर दो 86,400 और पहले investment दी हुई है 88,000. 86,400 88,000 वाली चीज को लाना है तो मतलब 1600 रुपए हमने वैल्यू डाउन, दैट इज अ लॉस. वो लॉस हम यहां से चार्ज करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से 1600. 4600 में से 1600 चार्ज करने के बाद बाकी बचा हुआ 3000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट, और ये 1600 रुपए का लॉस रीवैल्यूएशन में शो नहीं. आई रिपीट, फंड में से माइनस करेंगे. फंड भी अपने आप एक प्रॉफिट है तो अगर मैं उसमें से माइनस कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली लॉस हो रहा है ना, इसलिए इसको रीवैल्यूएशन में सेपरेटली नहीं. ठीक, और क्या बातें हैं वो भी देख लेते हैं बच्चों. प्रोविजन फॉर डाउटलेट्स को 2000 पे लेकर आना. आउट ऑफ द इंश्योरेंस विच वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट रुपीज 2000 बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड. 2000 रुपए हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस था, अनएक्सपायर्ड मतलब अगले साल के लिए पे किया हुआ था, वो हमने गलती से पूरा पीएनएल में डेबिट कर दिया, मतलब पूरा लॉस हुआ. अब वो प्रीपेड है तो प्रीपेड है ना, एसेट है, उसको हमने पूरा एक्सपेंस शो कर दिया तो अब उसको जैसे एसेट दिखाऊंगा दैट विल बी द गेन ऑफ द फर्म. और एक प्रोविजन 5000 और बनाना है आउटस्टैंडिंग बिल्स के लिए, ये लॉस. और गुडविल की वैल्यू फर्म की 30,000 और रिटायर इसमें हो रहा है बच्चों 3-to-1 रेशियो है और M रिटायर, सो M का शेयर 3/6. आपको सॉल्यूशन शुरू करता हूं मैं. M&P 3-to-1, M का शेयर 3/6, तो M का शेयर 3/6 ऑफ 30,000 गुडविल 15,000. M को दे दो 15,000, अदर पार्टनर्स N और P से उनकी गेनिंग रेशियो 2:1 में चार्ज. ठीक है जी, सिंपल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सिंपल रिवैल्यूएशन. बच्चों पहले बोला जैसे इन्वेस्टमेंट को डाउन करते हो तो इन्वेस्टमेंट का लॉस तो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से चार्ज. हाँ, एक बात मैं और बता दूं, इन्वेस्टमेंट का लॉस है 1600 रुपए और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 4600, तो हमने 1600 चार्ज कर. मान लेते हैं लॉस होता 5000 का, तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो सिर्फ 4600 है ना, तो बाकी 400 का लॉस मैं क्या करता. 5000 रुपए का लॉस हुआ है, फंड है सिर्फ 4600, 400 का क्या करता. फिर वो बचा हुआ 400 जो है बच्चों वो आपका यहां पर डेबिट होता, बचा हुआ 400 रिवैल्यूएशन में डेबिट होता, लेकिन जब तक हमारे पास फंड है तब तक लॉस वहीं से चार्ज होता है. ठीक है, सो स्टार्ट. इन्वेस्टमेंट का लॉस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से चार्ज हो गया. प्रोविजन फॉर डाउटलेट्स को कह रहा है आप 2000 पे ले आओ, पहले 1500 है, 500 रुपए का लॉस. प्रीपेड इंश्योरेंस 2000 जो अगले साल के लिए साली चार्ज कर लिया था, इनकम दिखा लो,
और प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल बना लो 5000, टोटल लॉस 5500, नेट लॉस 3500, एमएनपी में 3:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर्स के कैपिटल लिखें 90-60-30 क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। रिजर्व फंड पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में 24,000, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो मार्क किया, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिपीट 4600 में से लॉस चार्ज करने के बाद 3000 बचा 3:1 डिस्ट्रीब्यूट। रिवैल्यूएशन लॉस चार्ज किया और गुडविल एन डेबिट पी डेबिट टू एम, ठीक है जी, एन डेबिट पी डेबिट टू एम, इससे एम का टोटल निकला और एम का टोटल एम के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अगेन कुछ गिवन नहीं है क्वेश्चन, और एन और पी का सिंपल बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है जी, बैलेंस शीट आपके सामने। कैश एट बैंक कोई चेंज नहीं 15,000, पेटेंट राइट्स कोई चेंज नहीं 10,000, डेटर्स कोई चेंज नहीं 18,600, डेट प्रोविजन 1500 को 2000 किया था, नेट फिगर 16,600। स्टॉक कोई चेंज नहीं, प्लांट एंड मशीन कोई चेंज नहीं, इन्वेस्टमेंट 86,400, और प्रीपेड इंश्योरेंस शो किया है, वो हमारी एसेट होती है बच्चों, ठीक है ना, प्रीपेड इंश्योरेंस 2000। ऐसे क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं, बीपी कोई चेंज नहीं, और 5000 का आपने आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर बनाया है 5000 का, और एम का लोन अलग से, पार्टनर्स कैपिटल शो किए जैसे ही मैंने, बैलेंस शीट 10, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन। ये पॉइंट क्वेश्चन आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कराया गया है, गॉट इट।